यहाँ से आप लोग देख सकते हो व्यू, वाह काफी मजा आ रहा है यार देखने में, लग रहा है कि यहाँ से पूरा बेंगलोर दिख रहा है। सपोर्ट कीजिए बस, और क्या, इससे भी और मजेदार मिलेगा। 60 किलोमीटर दूर आया यार बाइक से। तो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जा रहा हूँ मैं बेंगलोर, और वहाँ पे जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने के लिए, जो कि वो काफ़ी दिन से इनवाइट कर रहा था लेकिन मेरे को ही टाइम नहीं मिल रहा था। किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, जो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि उसे कितना ब्लॉग में देखे होंगे, लेकिन नाम अभी नहीं बताऊँगा, वहाँ पर मिलने के बाद आप लोग को नाम बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए कि मोटिव ब्लॉगिंग करके ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज का सफ़र का मज़ा लेते हैं, जो कि 60 किलोमीटर सफ़र करना है, और अभी का जो टाइम है 2:59, जो कि 3 बज चुका है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा ब्रिज आ रहा है हमारे सामने में, जो कि आप लोग को भी दिख रहा होगा, देख सकते हो यह है चोरवालापुर का ब्रिज। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है गाइज, देखो ये ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है चोरवालापुर का, दुधवालापुर का शान पहचान। तो गाइज क्या बताऊँ यार, मैप चालू किया हूँ लेकिन मैप अच्छा से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ उसी में मैप भी चालू किया हूँ, लेकिन मैप जो है छोटा सा डिस्प्ले पे बन के आ चुका है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा। अभी मैं दूसरा रास्ता में चला गया था यार, जो कि देवनली का रास्ता में चला गया था, मुझे नागवारा जाना है, नागवारा एलंका होकर के जाना है, तो मेरे रूट जो है गलत रूट पकड़ लिया था, तो फिर से रिटर्न आना पड़ा यार, जो कि गाइज क्या बताऊँ काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। देख सकते हो वो है मेन हाईवे, और वहाँ पर आगे देख सकते हो आप लोग को टोल गेट दिख रहा है, जो कि टोल गेट भी सामने में ही है, देख सकते हो ये टोल गेट। मुझे बाइक चलाने का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कैसा है नहीं है जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास बाइक था ही नहीं, आप लोग देखे ही होंगे, क्योंकि मेरे पास दो साइकिल था, और मैं फर्स्ट टाइम बाइक लिया हूँ, वो भी सेकेंड हैंड, और इसका रिव्यू तो मैं पिछले ब्लॉग में दे ही दिया, जो कि आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हो, अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है नहीं है जो आप लोग बताइएगा, मोटो ब्लॉगिंग का भी और बाइक राइडिंग का। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पीछे वाले जो है वो हेलमेट लगाए, और आगे वाले को देख सकते हो क्या यार जो ड्राइव कर रहे हैं वो खुद हेलमेट नहीं लगाया और आंटी को दे दिया है हेलमेट, वो अपना वाला आंटी को दे दिया और आंटी के पास हेलमेट ही नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो बिल्डिंग वगैरह, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जाम में फंस गए यार, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप है तो निकाल लेता हूँ। ओहो कितना बड़ा जाम है यार, ये भी जाम, ओह माय गॉड, यहाँ से आप लोग देख सकते हो यार, ओह काफ़ी ज़्यादा जाम है, और कितना जाम लगे हुए नहीं लगे देख सकते हो आप लोग पीछे तक, वाओ काफ़ी ज़रा जाम लगा हुआ है यार, क्योंकि अभी देख सकते हो 3:30 हो चुका है, और जल्दी निकलना है यार, नहीं तो आने में मुझे लेट हो जाएगा, लग रहा है शायद नाइट होना ही है आज पक्का। अब यहाँ से जो मुझे लेफ्ट लेना है, तो यहाँ पर छोटा छोटा सा फ्लाइट उड़ रहा है देख सकते हो, तो मुझे यहाँ पर भी एक बार आना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि काफ़ी छोटा छोटा सा फ्लाइट यहाँ पर उड़ती है जकपुर एरियोडोम, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा सा फ्लाइट उड़ता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो व्यू, वाह काफ़ी मज़ा आ रहा है यार देखने में, लग रहा है कि यहाँ से पूरा बेंगलोर दिख रहा है, देख सकते हो व्यू पूरा बेंगलोर का। सो गाइस अभी अपना लोकेशन के पास तो पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ पर जो है किधर रहता है नहीं रहता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अब यहाँ पर रुक करके पहले कॉल कर लेता हूँ उसे। यहाँ पर रुका हूँ पेट्रोल पम्प के पास, और देख सकते हो यही है नागवारा का ब्रिज, तो यहाँ पर रुका हूँ, और यहाँ पर रुकने के बाद मैं उसे एक बार फ़ोन कर लेता हूँ कहाँ पे नहीं है, क्योंकि अपना लोकेशन के पास तो पहुँच चुका हूँ, लाइव लोकेशन वो भेजा है, तो अभी यहाँ से देखते हैं कौन सी साइड जाना है नहीं जाना है, जो कि यार कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है यार, कैसा कैसा इधर रोड है, और देख सकते हो ब्रिज काफ़ी बड़ा बड़ा ब्रिज है। ओह यहाँ पर भी रेड सिग्नल है भाई, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जाम है, तो यहाँ से मुझे लेफ़्ट साइड जाना है। फाइनली बहुत ही घूमने के बाद अपना लोकेशन पे तो आ चुका हूँ, और जो है देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो गाइस इसी के लिए कितना घूमना पड़ा, देख सकते हो किधर किधर घूमना पड़ा यार, जो कि देख सकते हो उधर हम लोग गया था, उधर से पूरा यू टर्न लेके कितना घूमना पड़ा समझ नहीं आ रहा, और आप लोग इसे जानते होंगे जो कि इसका नाम है प्रेम,
जो कि आप लोग पिछले ब्लॉग में और काफी ज़रा ब्लॉग में से देखे होंगे, देख सकते हो। अभी उसके साथ जा रहा हूँ, फ्रेम के साथ, और अभी आ चुका हूँ यहाँ पे। तो जाते चलने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी देख सकते हो प्रेम के पास आया हूँ और इसका रूम में अभी आ चुका हूँ। और अभी यहाँ पे हम रहा है तो ये क्या बोलेगा समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे। इतना दूर से आया हूँ इसके पास तो ये क्या बोलेगा, अभी आप लोग को सुनाते हैं। सपोर्ट कीजिए बस, और क्या, इससे भी और मज़ेदार मिलेगा। 60 किलोमीटर दूर आया हूँ यार बाइक से, जो कि फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग करके आया हूँ। तो अगर आप लोग को ब्लॉग भी अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक। अभी जो है दोस्त से बात करते करते अभी टेरिस पे आ चुका हूँ, जो कि देख सकते हो इतना बड़ा बिल्डिंग, और यहाँ से पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हो गाइस, जो कि यहाँ से देख सकते हो ब्रिज गया हुआ है ऊपर, और पूरा बेंगलोर का व्यू यहाँ पे देख सकते हो। हिल्टन गार्डन इन है, जो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग सब है यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है, सनसेट भी हो रहा है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने को। जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो शाम हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। बस आज का ब्लॉग में भी बस इतना ही।